पहले मैं आर्मी में नौकरी करता था और उसके बाद रिटायर हो गया तो फिर अपने बच्चों के लिए गरीब का काम करता हूँ। इधर मैं थोड़ा छोले वगैरह बनाता हूँ और छोले फरोख्त करके बच्चों के लिए अपने कफालत का जरिया करता हूँ। लेकिन इन लोगों ने बोले कि अगर इधर आप काम करते हो हमें किराया देंगे। हमने बोले किराया आपसे ले लें, हम किराया देते रहेंगे। हमें मजदूरी मिलती नहीं है यहाँ पर, यकीन करो कि हम मजदूरी नहीं मिलती। तो हम अपने छोले वगैरह बनाकर 200-400 रुपये दिन हमारा इधर कमाते हैं, लेकिन हर महीने में इनको किराया दिए। किराया हमने शार्ट नहीं किया, किराया शार्ट करते तो कहते निकल जाओ। किराए की कोई रसीद वगैरह भी होती थी? रसीद हमने इसको बोला, मुझे रसीदों की रसीद की कोई बात नहीं, वरने 10 आदमी के सामने मेरे रसीद मुझे दिया करो तो रसीद ले करो। और 100 रुपये जो ना वो मंगल वाले दिन आते वो मंगल के टैक्स देते, 100 रुपये वो भी हमसे लेते। वो उस किराए के अलावा होता है? वो किराए के अलावा होते 100 रुपये वो जो ना मंगल के रोज हम देते, कभी 50 कभी 100 वो लेते। इस तरह के कितने लोग बाजार में किराया दे रहे हैं? किराए तकरीबन मैं आपको 30-40 आदमी बता दूँ इस पूरे शहर के अंदर, नाम दे दूँ कि ये आदमी जो ना काबिज का हर दुकानदार से किराया ले, चाहे वो नस्वार वाले, चाहे वो सिगरेट वाले, चाहे वो छोलो बेचने वाले, चाहे वो जितने भी रेडी लगाया वो रेडी वाले से भी लेते। फुटपाथ पर जितनी रेडी है वो सब किराया लेते, वरना सब किराया लेते, सब किराया लेते। मैं तो मजबूर होकर इसलिए आता हूँ कि मैंने बोला हमारे साथ क्या करे, मेरा रोजगार खत्म है, कोई पढ़ा वो रोजगार मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं सबके लिए बात क्लियर करता हूँ कि हमारे से किराया लेते सारे लोग किराया लेते। ये किराया सिर्फ खैराबाद के लोकल लोग रहते हैं या कोई डीएमए का अमला भी? लोकल लोग जिनके पास कब्जे है सर, कुछ बाहर की भी है उनके पास कब्जे है वो लेते हैं, सब कराए लेते। आप किसी को भी बोलो, तनूर वालों को बोलो, नस्वार वाले को बोलो, जिसके पास भी है गैर कोई सवाबी से कोई किधर से सब कराए देते जी, कोई भी माफ नहीं कर, सब कराए लेते। मंगल वाले भी आते वो भी हमसे 50-100 रुपये लेते, भाई किराए दो हम उनको भी दे देते। मंगल वाले कौन आते हैं? मंगल वाले जहांगीर से कमेटी कहते हैं, हम कमेटी वाले हैं। कमेटी वाले आते हैं? हाँ वो कहते हमें बोलते रसीद दो, वो कहते हमें रसीद दो, हमें रसीद नहीं देते, बगैर रसीद भाई पैसे दो नहीं तो उठाओ सामान। हम किसके पास जाए, हम तो मजबूर होकर आपके साथ आए। मैडम से हम ज्यादा मांगे, हमें थोड़ी सी ज्यादा दो, हम तफसील से आपसे बात करते हैं। अल्लाह पाक को खुश रखे उसे हमारी नाज़रीन, अभी हम खैराबाद बाजार में खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद है आसिफ कमिश्नर मेज। आज हमें खैराबाद बाजार में जो है जितनी भी नजर उनका कर रहे हैं, हमने सिगरेट भी दिए हैं, हमने कुछ खैराबाद भी दिए हैं, और इसके अलावा भी दूसरा अभी कुछ शिकायत हमें यहाँ पे मिल रही थी, लोग यहाँ पे किराया और बाकायदा पर्ची सिस्टम को बहाल कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्या? एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा, ये पब्लिक भी किया जाएगा? जी पब्लिक किया जाएगा, एक्शन हम सबको बताएंगे। और हमने अभी लोगों में ऐलान भी कर दिया है कि आज के बाद जगह का ना कोई किराया देगा, और ना जो किराया देता है वो भी जो किराया देता है वो तो बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ पे एक बाजार लगता था जो शायद अभी आइंदा भी लगे, मंगल बाजार, उसका भी कह रहे हैं कि कोई जहांगीरा से या अकोला से आके कोई अमला जो है ना वो 100 रुपया उसमें कह रहे हैं कि ऑप्शन हुई है उसके तहत ये अपना मंगल बाजार लगाते हैं, जब ऑप्शन का रिलेशन खत्म हो जाएगा तो उनसे उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हमें। अभी 17 तारीख को आप निजामपुर बाजार में कोई खुली कचहरी का सिस्टम हो रहा है, उसके बारे में आप क्या? उसमें डी साहब खुद जो है वो होंगे और हम लोगों की शिकायत सुनेंगे, उनके मसले मौके पर इंशाल्लाह हल करेंगे, और हमारी कोशिश है कि लोगों के जितने मसाइल मौके पर हम उसी वक्त हो जाए और बाकी जल्दी एक्सरसाइज।